हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप यही है कि जो हमारे घर में कढ़ाई होती है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, किसी भी रीज़न की वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, या बर्नर उसे काला कर देता है। तो ये कढ़ाई भी देखिए पीछे से कितनी ब्लैक है, तो हम इसे कैसे साफ़ करें? तो चलिए इसे जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच नमक, और नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे जो आधा नींबू। आधा नींबू के साथ हम लेंगे थोड़ा सा विनेगर। नींबू हमें ऐसे ही सारा निचोड़ लेना है। विनेगर हमें जो एक ढक्कन में डाल लेना है, पूरा ढक्कन भर कर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा बच गया है। और इसी के साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा विम बार। अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो जो आपके पास विम की जो सोप आती है उसे ही थोड़ा पानी में घोलकर वो इसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, पर थोड़ा हल्का गाढ़ा पेस्ट रखिए। थोड़ा सा यहाँ मैंने विम जेल लिया है, और अब हम इसे अच्छे से जो है अप्लाई कर देंगे। जब ये मिक्सचर पूरा अप्लाई हो जाए तब हम इसके बाद लेंगे 1 चम्मच हार्पिक, जो बाथरूम क्लीनर होता है वही। इससे जो है, जो स्टील है चाहे एल्युमिनियम है, उसके ऊपर लगाने से बिल्कुल नए जैसी चमक आ जाती है, और जो भी कालिक है या फिर जो ज़्यादा जमी हुई जंग है उससे वो निकल जाता है विनेगर के रिएक्शन से। तो अब हम उसे भी अच्छे से जैसे अप्लाई कर देंगे नींबू की सहायता से ही, और अब हम इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि जो मैल है वो अपने आप निकल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे साफ़ करना शुरू कर दिया है। अच्छे से जो है हम इसे जो साफ़ करेंगे, और ये देखिए मैल बिल्कुल निकल आई है। अगर आप नॉर्मली इसे साफ़ करते तो ये अच्छे से ऐसे साफ़ नहीं हो पाता, और ये चमक भी बिल्कुल एक नए बर्तन की जैसे आएगी। सारी जगह इसे हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अप्लाई हो चुका है, और मैंने इसे साफ़ भी कर लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल जो कढ़ाई है वो बिल्कुल नए जैसी हो गई है। पता ही नहीं लग रहा है कि पहले इसमें इतनी जो कालिक थी और अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 2 टिप पर। दूसरी टिप यही है कि जो हमारे घर में दही जमता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पतला जम जाता है, वो अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल दूध ही लग रहा है, दही तो लग ही नहीं रहा है। तो सर्दियों में क्या करें कि हम जो दही जमाएँ वो बिल्कुल परफेक्टली जमें? तो चलिए इस टिप को शुरू करें। सबसे पहले तो हम लेंगे थोड़ा सा दूध, जितना हम दही जमाना चाहते हैं, और इसे करेंगे हम हल्का गरम। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा जो ठंडा भी नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ उतना गरम करना है कि जो हमारी उंगली है वो इसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो लीजिए ये गरम हो चुका है, 1 से 2 मिनट, ज़्यादा भी नहीं। और अब हम इसमें जो है उंगली डालकर एक बार चेक कर लेंगे कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ये हल्का गर्म है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे रोटी वाले बॉक्स में। रोटी वाला बॉक्स थोड़ा गर्म होता है, इसलिए हम अगर इसमें दही जमाएंगे सर्दियों में तो हमारा दही बिल्कुल परफेक्टली जमेगा जैसे गर्मियों में जमता होता है। तो इसलिए आप इसी बॉक्स में अगर जमाएंगे तो दही बहुत ही अच्छा जमेगा। एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हमने दूध है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। एक बार फिर से हम जो है उंगली डिप करके देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म तो नहीं हो गया दूध। और अब हम इसमें डाल देंगे दही, जो हम थोड़ी सी दही इसमें डालते हैं, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, नहीं तो जो दही जमता है वो खट्टा जमेगा। और अब हम जो 1 पिंच जो हमने दही लिया है उसको अच्छे से जो है सारे दूध में स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसे करते हैं ढक्कन से बंद। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो अब उसमें हम 1 या 2 कपड़े जो हैं ऊपर से लपेट देंगे। अभी फ़िलहाल कम ठंड है तो मैंने एक नॉर्मल जो टाल होता है वही इसमें, किचन टाल, वो उसके ऊपर लपेट दिया है। तो अगर ज़्यादा ठंड पड़े तो आप इसमें कोई गर्म चीज़ ऊपर से लपेट दीजिए ताकि बिल्कुल भी जो दही को या दूध को ठंड ना लगे। तो 4 से 5 घंटे के बाद मैंने जो है दही एक बार चेक कर लिया है। इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता, एक साइड में रख दें, और 4 से 5 घंटे होने पर आप देख सकते हैं कि जो दही ने पानी छोड़ दिया है। तो जो दही जमने की यही कंसिस्टेंसी होती है कि साइड में अगर पानी छोड़ दिया है तो वो दही अच्छे से जम जाता है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट दही जमा है। तो अगर आपको कोई सी भी टिप इसमें से अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये दही वाली टिप को आप ज़रूर फॉलो करें अगर सर्दियों में आप दही अच्छे से नहीं जमा पा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर।
अगली टिप छोटी सी है पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो आलू हैं वो हर सीज़न में हर सब्ज़ी में डलते हैं। कई उबाल के खाते हैं और कच्चे भी जो है सब्ज़ी में डल जाते हैं, पर उबालने में जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आलूओं को। तो इसमें ऐसा क्या करें कि जो आलू हैं जल्दी से उबल जाएँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से जो आलू हैं वो जल्दी उबल जाते हैं और जितना टाइम लगता है उससे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं हम अगली टिप की ओर। जब भी हम मिर्ची काटते हैं तो जो मिर्ची की सेंसेशन है या जलन है वो हाथों में लग जाती है, तो हम इसे कैसे बचें, इससे पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके बाद हम काटेंगे मिर्ची। ऐसे मिर्ची काटने से जो इसकी जलन है वो हाथों में नहीं लगती और जो है हमारे हाथ भी जलन से बचे रहते हैं। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें जब भी आप नेक्स्ट टाइम मिर्ची काटें। तो चलिए अगली टिप की ओर चलते हैं। सैलेड में टमाटो सभी को बहुत पसंद आते हैं पर वो इवनली नहीं कट पाते, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 2 फोक्स टमाटोज़ में अच्छे से जो है टिका दीजिए और उसके बाद फोक्स के बीच में से जो है एक एक कट लगाते जाइए। इससे क्या होगा, जो टमाटोज़ एक ही जो साइज़ में कटेंगे, छोटे या बड़े नहीं कटेंगे और बहुत ही जल्दी कट जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही इवनली साइज़ में मैंने टमाटोज़ को काट लिया है। आप ऐसे इससे जो प्याज भी काट सकते हैं, तो है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद टिप। तो चलिए अब चलते हैं हम अगली टिप की ओर। अगली टिप यही है कि कई बार हमें जो याद नहीं रहता सब्जियों में जो नमक बहुत ज़्यादा डल जाता है या फिर मिर्ची ज़्यादा डल जाती है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इससे आप कैसे छुटकारा पाएं। अगर आप सब्जी में जो गलती से ज़्यादा नमक डाल देते हैं तो आप क्या कीजिए, उसमें 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। 2 चीज़ों में है, या तो आप कच्चे आलू यूज़ करें और या फिर आप जो है थोड़ा सा जो गूंदा हुआ आटा है उसकी हल्की सी छोटी सी लोई लीजिए और इसमें डालिए। तो आप इस साइज़ की जो आटे की लोई है वो इसमें डाल सकती हैं। तो अगर आलू घर पर ना हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो अगर आलू है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 1-2 बड़े जो आलू कच्चे काट कर इसमें डाल दीजिए, 5 से 7 मिनट के लिए बीच में ही रहने दीजिए ताकि वो तरी में से एक्स्ट्रा नमक है वो अब्सॉर्ब कर लें। और जब 5 से 7 मिनट हो जाएं तो उन आलू को बीच में ना छोड़ें, उन्हें आप निकाल कर बाहर रख लें। आप अगली सब्जी में उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप धोकर भी उसे रख सकते हैं। तो इससे जो है नमक बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर सब्जियों में मिर्ची ज़्यादा पड़ जाए तो आप इसमें क्या करें, मिर्ची कम करने के लिए 2-3 जो है उपाय हैं जिससे आप मिर्ची कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि आप दही का यूज़ कर सकते हैं, दही कोई सा भी ले सकते हैं, और उसी के साथ ही आप क्रीम का या मलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मलाई है, क्रीम नहीं है, तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रीम का, क्योंकि क्रीम पड़ी थी तो इसलिए मैंने वो यूज़ कर ली है। क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मलाई, दूध या दही, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जितनी आपने मिर्ची डाली है आप उतनी इसमें उस क्वांटिटी की जो दही, दूध या मलाई कुछ भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसको हमें फिर पकाना है। इससे एक तो ये होगा कि जो आपकी तरी होगी वो रिच हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली टिप की ओर। सर्दियों में जो साग है बहुत ही पसंद आता है सभी को खाना, पर इसे काटना बेहद ही मुश्किल है। तो इस जो वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो साग कटिंग मशीन है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है साग काटने में। अगर ये आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मिनटों में जो है साग को कटिंग कर देती है, चाहे आप 1 किलो बनाओ, चाहे 2 किलो, चाहे 3 किलो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जो साग इससे कटता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है महीन कटता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। तो ये देखिए बिल्कुल ही ईजिली चल रही है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कैसी लगी आपको ये टिप, अगर अच्छी लगी है तो मुझे बताइएगा। अगर परचेज़ करनी है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो उससे पहले ये देख लीजिए कि साग कितना बारीक कटा है। तो अगली टिप की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है मेथी। मेथी सभी को बहुत ही पसंद आती है, पर हम जब उसे एक एक पत्ता करके हाथों से तोड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप इसे कैसे जो है आसानी से जो तोड़ सकते हैं, सबसे पहले तो हम जो डंडियाँ हैं उसे अलग कर देते हैं मेथी से। तो जहाँ पर पत्ते ज़्यादा हैं उससे नीचे नीचे हम जो है डंडी अलग कर देते हैं। डंडियों में बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं होते, वो ईज़िली निकल आते हैं।
तो उसके बाद फिर से हम इसे हाथों से मोड़ते हुए जो फिर से थोड़ी सी डंडी दिखे उसे हम जो है कट कर लेंगे। बिल्कुल जो है हमें हाथों से इसे पकड़ के फिर इसे जो है एक नाइफ से कट करना है। और ये जो डंडियाँ हैं आप इसे सब्जी में यूज़ कर सकती हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ताज़ी होती हैं, तो ऐसे ही इसे जो है धोकर सब्जी में कट कर सकते हैं। और ऊपर से जो पत्ते हैं थोड़े थोड़े तोड़ लीजिए, अगर डंडियाँ आपको फ्रेश लगती हैं तो ऐसे ही काट लें। तो कैसी लगी आपको ये टिप? अगर अच्छी लगी है कोई भी टिप तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।